अब हम लोग थक चुके हैं, हम लोग आज जिंदा लाश हैं। वो कमाए जिंदगी भर में सब सहारा में ही रख दिए, हम लोग को किस झूठा दिलासा देते जा रहे हैं। और हम लोग भरोसा में कि आप हम लोग का भुगतान होगा, आप होगा, पर भुगतान हो ही नहीं रहा है। देश भर में सहारा से भुगतान क्रांति आंदोलन की शुरुआत हो गई है और जो सहारा रिफंड पोर्टल है उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि सहारा रिफंड पोर्टल जो है, जो सहारा पीड़ितों के लिए जो है सरकार लेकर आई थी, लेकिन इस रिफंड पोर्टल का जमकर विरोध हो रहा है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि धीरे धीरे पैसा आखिर क्यों लिया जाए, जबकि हमारा पैसा जो है लाखों में बकाया है, अभी तक सहारा से हम लोग को नहीं मिला है, जिसके चलते जो है लोग परेशान है। आज हम आपको बता दें कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज राजभवन के सामने एक दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में सहारा पीड़ित यानी सहारा जमाकर्ता जो है यहां पर मौजूद थे और अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश किए। उनका कहना है कि हमको सहारा इंडिया पोर्टल जो है मंजूर नहीं है, जो हमारा भुगतान होगा वो सहारा से ही हो। और कुछ क्या कह रहे हैं लोग, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज अंग्रेजों लोग शासन किए हैं 50 सालों तक, तो आज़ादी लेने में टाइम लग गई। एक गांधी खड़ा हुए थे उसमें इतना लोग टाइम लगा, तो उसी तरह से हम लोग क्रांतिकारी भाई लोग जुड़ रहे हैं और उसी का देन है कि पोर्टल लाया गया और पोर्टल के विरोध में हम लोग खड़ा हैं, क्योंकि सारे क्रांतिकारी को भ्रमित किया गया, मैंने हम लोग का संगठन को तोड़ने का भी कोशिश किया गया। तो एकता में ही बल होती है, कुछ लोग उसमें टूटे भी हैं, कुछ लोग भ्रमित हुए हैं और जनता तो इसमें बहुत बड़ा गुनाह कर दी है, क्योंकि पोर्टल जो भी एक बार यूज कर लिए सोचे कि अन्य संस्थानों में कहीं भी उसका बात को आप नहीं रख सकते हैं। चूँकि अब सहारा इंडिया भी बोल दी है कि आप पोर्टल के माध्यम से ही पैसा ले, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हर बार बोला जाता था कि भुगतान करा दो, सहारा इंडिया सुप्रीम कोर्ट बोलते थे ना सुब्रत राय को कि पेमेंट कर दो, लेकिन वो हर बार पटिशन लेके डेट चेंज कर देती थी और हमने को बोला जाता था कि इनबार्गो लगा हुआ है, लेकिन अंदर अंदर पेमेंट लेती थी और वही लोगों को भुगतान मिलती थी जो लोग उनको पैसा देते थे, वैसे ही कार्यकर्ता। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2022 में जो मार्च के बाद बंद हो गई है, मैं उन जमाकर्ताओं को बताना चाहता हूँ कि कम से कम उस एजेंट के पास पूछें कि हमारा पैसा क्या जमा है कि नहीं है, पहले यह तो सुनिश्चित कर लें। बहुत लोग ऐसे हैं आज आंदोलन में क्यों नहीं आ रहे हैं, जमाकर्ताओं को वही एजेंट भड़का रहे हैं मार्केट में जाके कि क्योंकि अंदर अंदर सादा पेज पे पैसा जमा हुई है जिसका कोई डाटा नहीं है, तो वैसे एजेंट जो है अभी आज के डेट में हम लोग का विरोध में उतरे हुए हैं, उनको यहाँ तक आने नहीं दिया जा रहा आंदोलन में, उनको समझाया नहीं जा रहा और वही लोग पोर्टल के यूज किए हैं आज के डेट में, जो आज के डेट में 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी पोर्टल में यूज किए हैं वही लोग यूज किए, चाटुकार लोग, क्योंकि वही लोग यूज करवा रहे हैं। आज हम लोग संस्था के द्वारा संगठन लड़ रहे हैं, 100 रुपये का सहयोग मांगते हैं तो लोगों को तकलीफ हो जाती है, वो गिनती करवाते कि मैंने आपका संगठन को 100 रुपये दिया हूँ क्या। आज अमित शाह जी बोले और उस पोर्टल को यूज कराने के लिए हजारों हजार रुपया लोग देने के लिए तैयार हैं और फिर भी उसमें ये बताया नहीं जा रहा कि आपका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वैसे वैसे एजेंट जो सहारा के चाटुकार हैं, उस चाटुकार को आपके मीडिया बंधु से अगर वो देख रहे हैं और जमाकर्ता देख रहे हैं तो उस एजेंट से जरूर पूछ के आएँ कि हमारा पैसा को पूरा वेरीफाई करके बताएं कि मेरा पैसा पूरा भुगतान हुआ है, पूरा जमा है कि नहीं है, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे ही लोग जमाकर्ताओं को ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ बता रहे हैं कि आज हमारे देश का जनता ही डुबाने की कोशिश में लगे हुए हैं और समझ चुकी है कि सहारे में जो पैसा डाले हुए वो डूब गई है, वो मन में बैठा दिया गया कुछ एजेंट चटुकारों के चलते कि पैसा अब डूब चुकी है, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि आज मुझे पोर्टल मंजूर नहीं है, मैं सहारा इंडिया में पैसा दिया था, मैं सहारा इंडिया से ही पैसा लूँगा और किसी से मैं मुझे ज़रूरत नहीं है। सहकारिता मंत्रालय से एक ही निवेदन करते हैं कि पोर्टल हमें मंजूर नहीं है, मुझे एक ही मंजूर है कि सुब्रत राय को पैसा के आदेश दें, जैसे सुप्रीम कोर्ट आदेश दिए थे कि आप भुगतान दें, उसके बाद आपको काम करने का आदेश देंगे, इसलिए काम उनका बंद है, फिर भी ऑफिस कार्यालय खुला हुआ है, आज ही पैसा लिया जा रहा है, वो किस तरह का आदेश है,
वो किस तरह का आदेश है, किस तरह का कानून का उल्लंघन है, क्या सुप्रीम कोर्ट, यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ का पुलिस, इनका जो विभाग है, क्या उनको पता नहीं है? उनका कानों के नीचे सारा उल्लंघन हो रही, कानून का उल्लंघन हो रही है नाक के नीचे, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आज हमने छोटे मोटे आंदोलन कर रहे हैं तो उनको घेरा घोटी करने जा रहे हैं तो हम लोग जेल में डालने का धमकी मिल जा रही है। किसी अभी केस हम लोग किए हुए हैं थाना में तो उस पर सुनवाई मांगते हैं तो बोलते हैं जाके सुप्रीम कोर्ट से पता करो, तुम लोग गलत केस किए हुए हो, तो ये किस तरह का कानून है, कानून का भी उल्लंघन हो रही है। तो मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को खास करके देखना होगा, समझना होगा कि कहाँ उनसे गलती हो रही है और क्यों सुब्रत राय को आज के डेट में जेल में डालना चाहिए था, पेरोल पे थे, क्यों बाहर वो घूम रहे हैं, आठ साल से पेरोल पे घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं बाहर, ये बहुत बड़ा चीज़ है। उसको छुड़ाने के लिए ये पोर्टल लाया गया है, हमारा मानना है, बाकी वो गृह मंत्री का क्या मानना है वो वही जाने। आ ये तो साठ गठ है 2024 का निकालने का कि सुब्रत राय को वो बजा के रखे और 24 को निकाल ले। आप मीडिया बंधु को एक ही बात बोलेंगे कि आप इसको बारीकी से लोगों को जनता में जागरूक करें। भूख हड़ताल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? ठीक है, सरकार को तो हम लोग संदेश देने यही चाहते हैं कि हम लोग 2 साल से हम लोग धरना में बैठे हुए हैं, धरना किए हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। इसी के गुस्सा से हम लोग आज भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं कि सरकार सुने हम लोग को दुख दर्द, नहीं तो हम लोग अब रोड जाम करने के विचार में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ज़बरदस्त होगा सरकार, तब मालूम होगा कि हम लोगों में क्या एकता है क्रांति का, उसको खुद नज़र में आ जाएगा। पाल महोदय को बताए हैं, इसके अलावा हम लोग बोले हैं कि अब हम लोग थक चुके हैं, हम लोग आज जिंदा लाश हैं, हम लोग जरूर खड़े हैं यहाँ पर लेकिन जिंदा लाश के रूप में हम लोग को यहाँ पर हैं और राज्यपाल महोदय से हम लोग इच्छा मृत्यु की मांग किए हैं, हम लोग को इच्छा मृत्यु चाहिए। ऐसा इतनी बड़ी मांग कैसे कर दी आपको इच्छा मृत्यु? अब हम लोग थक चुके हैं, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, घर में हमारा इज्जत बचाना मुश्किल है, रोज का खर्चा है, हम लोग पाई पाई जोड़कर हम लोग जो कमाए जिंदगी भर में सब सहारा में ही रख दिए, प्लस अपने सम्मानित देवतुल्य सम्मानित खाताधारियों का भी इन्वेस्ट कराए, उन लोगों को बहुत भरोसा था कंपनी पर और हमारे ऊपर, लेकिन आज उनके साथ रिलेशन हम लोगों का खराब हो गया। हाँ, अपना घर का एक सदस्य मानते थे वे लोग हम लोगों को, लेकिन आज वे लोग भी बहुत दुखी हैं। हम लोग को किस झूठा दिलासा देते जा रहे हैं और हम लोग भरोसा में कि आप हम लोग का भुगतान होगा, आप होगा, पर भुगतान हो ही नहीं रहा है, सब तरफ से हम लोग परेशान हैं, बाल बच्चा घर द्वार बनाना है, पति के इलाज करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, हर तरह से हम लोग परेशान हैं। अच्छा, 10,000 जो दिया जा रहा है सरकार की तरफ से मिल रहा है अभी होटल के माध्यम से? होटल बोला गया है पर डेट पार हो गया है, वो भी भरोसा देके और भरोसा कर दिया है, और 10,000 आखिर क्यों ले, जो हम लोग दिए हैं पूरा एक ही बार रफा दफा कर दिया जाए। कितना पैसा आपका वहाँ पर ये है? अपना पैसा, अपना कमाया हुआ पैसा कम से कम 20-22 लाख रुपया है, अपना भी है, पार्टी का 6-7 करोड़ रुपया पार्टी का रखा हुआ है। हम आपको बता दें कि वर्षों से जो सहारा जो जमा करता है, जिस तरह से सहारा में पैसा एक एक पाई करके जमा किए थे, लेकिन अभी तक उनका पैसा वापस नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने एक पहल करते हुए सहारा रिफंड पोर्टल को योजना की शुभारंभ किया ताकि जो है सहारा पीड़ितों को वहां पर अधिकार मिले, उनको पैसा मिल जाए। लेकिन अब जो है सहारा पोर्टल जो जिस तरह से लॉन्च किया गया उसका अब विरोध भी शुरू हो गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सहारा पोर्टल जो है ये केंद्र सरकार जो है 2024 के चुनाव को लेकर जो है ये लेकर आई है, यानी पूरी तरह से कह सकते हैं कि 2024 को लेकर केंद्र सरकार जिस तरह से सहारा पोर्टल जिस तरह से लॉन्च किया है, यानी इनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये पोर्टल जो है 2024 को लेकर ही लॉन्च किया गया है ताकि जो है 2024 में फिर से भाजपा की सरकार बन सके। लेकिन जो सहारा जमा करता है, जो सहारा पीड़ित है, लगातार इसका विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनका जन आंदोलन जो है अब विकराल रूप ले लिया है, अब जन आंदोलन किस करवट बैठता है ये भी देखने वाली बात होगी। रांची से मैं दर्श न्यूज़ के मोहन कुमार।